तो और मेरे भाई लोग कैसे हो। एक और आ चुका है खतरनाक डुअर रैंक पुश वीडियो के संग। आज अपन का रैंक पुश का डे 16, जहाँ पे आप लोग क्या रैंक चल रही है और आप लोग कौन से टीयर पे भी हो वो भी यहाँ पे मेरे को जरूर से कमेंट करके बता देना। अब वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप में से काफी बंदों को डाउट होगा, भाई ऑलमोस्ट 1 वीक हो चुका और आपने अपने चैनल पे कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी, अब इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं आ रही थी, क्या उसका रीजन है, वो सब कुछ इस वाले वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना, जिसकी वजह से आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में भी आएगी। और इस वाले वीडियो के अंदर ये भी बताऊंगा, अगर आपको किसी भी गेम में ज्यादा प्लस निकालना होगा तो उसके लिए आपको क्या चीजें फॉलो करनी होगी। पर उससे पहले इवेंट पे आसपास काफी बंदे थे तो सबसे पहले इन बंदों को फिनिश करते हैं। अब यहाँ पे मैं लूट कंप्लीट कर ही रहा था तभी मेरे को आगे साइड से साउंड आता है कि भाई छत के ऊपर कोई बंदा है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा होल्ड करता हूँ और कुछ देर के बाद यहाँ पे मेरे को बंदे की एग्जैक्ट साउंड आ जाता है, तो फटाफट उस बंदे को ऊपर रश करते हैं। मेरे को तो लगता है एक बंदा होता है पर होते असल में 2 बंदे, जिन्हें बहुत ही आराम से फिनिश कर देता हूँ। और ये वाला 1v2 अच्छा लगा होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक कर देना, और रैंक पुश सेटिंग कुछ भी चीज़ पूछनी होगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं हाथों रिप्लाई दे देता हूँ। और कुछ जरूरी कमेंट होता है तो उसके ऊपर डिटेल में वीडियो यहाँ पे बना दूंगा। पर उससे पहले आप लोग ये सीन चेक करो, जस्ट मेरे आगे 2 बंदे और होते हैं जो सिर्फ 2 या लाइफ थे कि उसे ऑलमोस्ट अपन ने पूरा इवेंट क्लियर कर दिया था। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फ्लैंक करता हूँ कि उसे कहीं ना कहीं मेरे को बंदे का साउंड आ चुका था कि भाई बंदा मेरे आगे साइड होता है, पर कुछ देर बाद यहाँ पे टीममेट अभी नॉकआउट हो जाता है। जिस चीज का मैं फायदा उठा लेता हूँ कि उसे मेरे को पता था जैसे इन बंदों ने मेरे टीममेट को नॉक दिया था तो फटाफट रश करेंगे, और उसी का फायदा उठा के इस टीम को ही मैं यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ। पर आप में से काफी बंदों को डाउट होता है कि भाई हाई प्लस अपन को नहीं देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं हर गेम में हैकर मिल रहा है। अगर आपके गेम में ज्यादा हैकर आ रहा है तो गाइस ट्राई करो जोन के बाहर खेलो, जितना ज्यादा आप लोग जोन के बाहर खेलोगे और जितनी अच्छी पोजिशन निकालोगे उतना ही आपको प्लस देखने को मिलेगा। पर उससे पहले इतने दिनों से जो वीडियो नहीं आ रही थी उसका सबसे बड़ा रीजन है कि भाई मेरे पे पीयर पुश की आईडी काफी ज्यादा ही आ चुकी थी, जिनमें से 2 आईडी तो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाएगा। और आप में से किसी बंदे को पीयर पुश करवाना हो तो डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। जोन में आके होल्ड कर ही रहे थे तभी यहाँ पे एक टीम का रश आता है, जहाँ पे बंदा तो सिंगल ही होता है पर यहाँ पे पीछे से एक दूसरी टीम हमारे ऊपर रश कर देती है। तो सबसे पहले इस बंदे के ऊपर थोड़े से नेड मॉली करता हूँ। पर उस चीज का मेरे को कुछ ही फायदा देखने को नहीं मिलता कि उसे टीममेट तो फिनिश हो चुका था और सिचुएशन थी 1v1 की, तो थोड़े बहुत थ्रोबस करता हूँ जिससे बंदा तो यहाँ पे डैमेज हो चुका था। उसके बाद देखो इस बंदे के साथ क्या सीन करते हैं। अब ये वाला स्प्रे अच्छा लगा होगा तो जरूर से वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, कि उसे इस बंदे पे एंगल तक काफी खतरनाक निकाला था। और फटाफट इस बंदे को फिनिश करते हैं और उसके बाद सीधा हम लोग निकल जाएंगे जोन के लिए, कि उसे जोन भी बन चुका था। तो यहाँ पे आगे साइड स्मोक होता है, जहाँ पे लकीली मेरे को एक बंदा दिख जाता है जिसे बहुत ही आराम से फिनिश कर देते हैं। और मेरे अलावा कुछ बंदे और आए थे और जिस हिसाब से बंदे फिनिश हो रहे थे मेरे को काफी ज्यादा डाउट लगता है कि भाई गेम के अंदर चीटर हो सकता है, तो जितना हो सके मैं जोन के S2H ही खेलता हूँ। पर यहाँ पे जैसे ही मैं जोन में जाने लगता हूँ तभी देखो मेरे साथ यहाँ पे क्या सीन होगा। जोन में तो आ चुका था पर यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा खतरनाक होती है, एचपी भी काफी कम थी और सामने साइड 2 बंदे होते हैं जिसमें से एक बंदे का रश आता है, तो सबसे पहले इस बंदे को यहाँ पे फिनिश करने लगता हूँ मैं। यहाँ पे थोड़ा सा एम चूक हो चुका था जिसकी वजह से मैं तो फिनिश हो जाता हूँ, बाकी इस गेम के बाद मेरा एस मास्टर लग जाता है और इस गेम में होता है 28 का प्लस। गेम प्ले कैसा लगा मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।